And for those of you who are the first time in this channel, please consider subscribing. Today we'll be creating this. So, आज का जो क्लास है हम इसमें ये एनिमेशन बनाएंगे. ये बहुत ही आसान है, आप देख ले. एनिमेशन है ये, बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं इस कॉम को क्लोज करता हूँ और मैंने ऑलरेडी कुछ कंपोजिशन बनाई है. एक है, अब मैं दिखाता हूँ सर्कल एनिमेशन. जो सर्कल है उसके लिए एनिमेशन के लिए मैंने कंपोजिशन बनाई है, एक एनिमेशन के लिए और एक सर्कल और एनिमेशन के लिए. इसमें हम इन लाइन एनिमेशन और सर्कल एनिमेशन को इकट्ठे करेंगे और फिर वो एनिमेशन बनाएंगे. तो पहले लाइन एनिमेशन से शुरू करते हैं. तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रा करता हूँ प्रिंट टूल की मदद से. यहाँ क्लिक किया, सिंपली आप एक लाइन ड्रा करें यहाँ तक, ठीक है. लाइन ड्रा की, अब इस तरह करें कि ये लाइन आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ लाइन है. इसको फिल कलर को मैं ब्लैक ही कर दें, डार्क आप जिस तरह चाहे कर दें. मैं इसको इस तरह करता हूँ, ये फिल कलर हो गया. अब इस तरह करते हैं कि इस पर ट्रिम पाथ एक एनिमेशन है. इस शेप लेयर में आए और इसको ये ड्रॉप डाउन करें और कंटेंट में एड ट्रिम पाथ. ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे साथ ऑलरेडी मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है. नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब आएंगे, ये तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ. ये है, आप देख रहे हैं कि टूल्स हो जाएंगे, फिर लेयर्स के बाद की फ्रेम बेसिस के बाद हमारे साथ ये है एनिमेट फॉर टेक्स्ट और एनिमेट फॉर शेप. तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिख के हैं. तो ये जो पेन टूल्स हमने जो चीज़ बनाई, तो ये शेप है और इस यहाँ शेप आप देख रहे हैं. तो इससे रिलेटेड ये जो आप एनिमेट आप नोट किए हैं वहाँ, ये सब प्रॉपर्टीज वहाँ पर है. तो मैं इन चीज़ तमाम चीज़ों पर सिंगल सिंगल ट्यूटोरियल बनाऊँगा. तो अब आपको जस्ट आपके मज़े के लिए, आप जो कि बोर हो गए हो प्री कंपोजिशन से, तो उससे आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ट्रिपिक्स इतना मुश्किल नहीं है. तो मैंने लाइन बना ली. अब यहाँ मैं सिंपली ट्रिम पाथ ऐड कर, ट्रिम पाथ ऐड कर लिया. अब ट्रिम पाथ पर, अब ये इस तरह होता है कि अगर आपने ऑटोकैड यूज़ किया, ऑटोकैड में ट्रिम कमांड होता है, वो लाइन को ट्रिम करता है, जो जॉइनिंग लाइन होती है उसको ट्रिम करता है. तो ये भी आप देख ले, अब यहाँ से स्टार्ट है, ये इन हो रहा है. तो एनिमेशन है तो ये ट्रिम तो नहीं करना, आप जिस पोजिशन से चाहे इसको ट्रिम कर सकते, ख़त्म कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. इस तरह ये इन की तरफ से उस तरफ से आप कर सकते हो. ओ ये इन है इसका और ये स्टार्ट है. स्टार्ट एनिमेट करना चाहते हो तो ये स्टार्ट एनिमेट होगा. इस तरह आप इन एनिमेट करना चाहते हो तो ये आप इसके साथ इन से होगा, ठीक है. तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं दोनों स्टार्ट और इन दोनों पर, इन को भी ज़ीरो करता हूँ और स्टार्ट को, और दोनों को भी की फ्रेम ऐड करता हूँ. अब थोड़ा आगे जाके ये 25 फ्रेम्स पर सेकंड, इस पर मैं स्टार्ट को भी 100% करता हूँ और इन को भी 100% करता हूँ, ठीक है. अब इस तरह करते इसको थोड़ा मैं बड़ा कर जूम करता हूँ. अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इन वाले को वो थोड़ा की फ्रेम की तरह ड्रैग करते हैं. तो अब आप एनिमेशन देख ले, आप देख रहे हैं. तो ये स्टार्ट और एंड दोनों एक साथ हो रहे हैं तो ये लाइन छोटा हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, छोटा ख़त्म हो रहा है. अगर मैं एक साथ करूं कंट्रोल जी करता हूं, अब आप देख ले तो आपके साथ इसकी कोई समझ, क्योंकि दोनों एक साथ है. तो अगर इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस अब बड़ा देगा तो ये लाइन बड़ा होगा. आप देख ले, देख ले ये लाइन अब बड़ा हो रहा है. अगर इसको मैं और भी पास पर रखूँ तो लाइन और बड़ा होगा, देख ले. अब मैं क्या, मैं इस तरह नहीं चाहता. अगर आप यहाँ इस तरह चाहते हो तो ये ठीक है, लेकिन ये एंड में थोड़ा करीब चाहता हूँ ताकि जल्द ख़त्म हो जाए. अब देख ले, ठीक है. तो इस तरह करते कि थोड़ा स्टार्ट ये है, ये थोड़ा करीब करते हो, इस दोनों को सेलेक्ट करके इस तरह यहाँ पर लाते हैं और इसको थोड़ा इसके और करीब करते हैं. आप ट्राई करते देख ले, ये हो गया हमारे साथ लाइन की एनिमेशन. अब दोनों को राइट सेलेक्ट करके, राइट क्लिक करके ये की फ्रेम असिस्टेंट और इजी इज F9 इसका शॉर्टकट है, मैंने आपको दिखाने के लिए राइट क्लिक कर लिया. अब ग्रेविटर में जाकर इनको थोड़ी इसकी जो पाथ है इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, मतलब थोड़ा मूव करता है कि एनिमेशन थोड़ा अच्छा लगे इस तरह. अब इसको देख लें एनिमेशन बहुत ईज इन ईज आउट हो गया, ईज ईज इसको कहते हैं. तो हमारे साथ लाइन एनिमेशन हो गया. अब इस तरह करते इसके और कॉपी लेते, क्या लेते हैं कॉपी में कंट्रोल डी से या एडिट में जाके आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये डुप्लीकेट हो गया. अब इसको थोड़ा इस तरह करके और थोड़ा मूव करके तो आप एनिमेशन आप देख ले, तो ये हो गया. अब इसके एक और कॉपी लेते हैं, एक और कॉपी, एक और इसको अब आप एनिमेशन देख ले. तो एक यहाँ तो एक साथ हो गई,
तो ये दूसरा है, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ। ये तीसरा जो है मैं यहाँ पर करता हूँ, चौथा है यहाँ पर करता हूँ। अब आप एनिमेशन को देख ले, ठीक है, ये हमारे साथ हो गया। अब प्री कंपोज जो हमने की थी उसका फ़ायदा भी अब आपको देख मिलेगा, ठीक है। ये एक साथ हो गया लाइन एनिमेशन, ठीक है। तो हमने अब इस तरह करना है कि ये जितनी भी लाइन एनिमेशन है यहाँ, अब हमने इसको ये तो हो गया हमारा लाइन सर्कल लाइन एनिमेशन कि हाँ हम लाइन एनिमेशन को इसमें चेंज ट्रैक करते हैं तो ये एनिमेशन हमारे साथ यहाँ आ जाएगा। अभी यहाँ आ गया तो ये यहाँ तक है, तो इसको हम छोटा करते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब इस तरह इसका डुप्लीकेट बना रहे हैं, कंट्रोल डी यहाँ तक करते हैं। अब आप नोट कर ले तो ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका स्केल इस दबाएंगे और इसको छोटा करेंगे और इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे। इस तरह इसका और कॉपी लेंगे कंट्रोल डी और इसको यहाँ ड्रैग करेंगे, स्केल और कॉपी लेंगे कंट्रोल डी और इसको इस तरह इंडिकेटर को सेलेक्ट करके इसको यहाँ ड्रैग करेंगे। अब इसको इस दबा दोबारा दबा की प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा विजुअल एनिमेशन। अब ये देख ले तो मुख्तलिफ जगह पर हो रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारे साथ लाइन का एनिमेशन हो गया। अब आते हैं सर्कल एनिमेशन की तरफ। तो सर्कल क्या है, मैं सिंपली आपके साथ एक सर्कल बनाता हूँ, आप देख ले। आप थोड़ा सा की प्रेस रखें और लेफ्ट क्लिक और सर्कल यहाँ पर ड्रैग करें, जितना आप शिफ्ट प्रेस रखें और कंट्रोल होल्ड रखें तो आप सेंटर से हो जाएगा और स्पेस भी की दबा के आप जो इन लाइन्स है लाइन ऊपर नीचे नीचे देखे सारी, कंट्रोल भी प्रेस रखा है शिफ्ट भी स्पेस में जो की स्ट्रोक्स दिखाते हैं, तो इसको इस तरह थोड़ा और छोटा करते हैं, इसको स्पेस के साथ ड्रैग करते हैं तो ये हो गया थोड़ा और, तो ये हो गया, ठीक है। अब इस तरह करते हैं इसके फिल को आप करते हैं, ये हो गया और ओके करते हैं। स्ट्रोक को जिस तरह आपकी मर्जी वो कलर दे रही और इसको थोड़ा बड़ा करते इस तरह चल रहे, आप कलर को चेंज करते हैं सपोज ब्लू देते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ हो गया क्या, ये हमारे साथ सर्कल्स आ गया। अब सर्कल के लिए भी हम ट्रिम पाथ यूज़ कर सकते हैं, क्या ट्रिम पाथ, तो ट्रिम पाथ सर्कल पर अप्लाई कर लिया। अब यहाँ आकर आप सिंपली ट्रिम पाथ में जाकर स्टार्ट और इनको दोबारा एनिमेट करें, तो यहाँ पर आकर सर्कल को स्टार्ट करें, यहाँ आएगा तो यहाँ से हम सारी इस तरह करते हैं कि स्टार्ट यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं और यहाँ आकर ये 100% हो जाएगा, ठीक है, ये 100% हो गया। अब भी दरमियान में आकर यहाँ तक इससे हम इसको ज़ीरो करेंगे, ठीक है, और यहाँ आकर ये क्या करेंगे 100% करेंगे, सारी एनिमेट नहीं हुई, यहाँ पर आकर हम इसको ज़ीरो ज़ीरो एंटर करेंगे और की फ्रेम लगाएंगे और फिर यहाँ आकर एंड पर इसको 100% करेंगे। तो अब एनिमेशन देख ले, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा करीब करते हैं, इसको भी थोड़ा करीब करते हैं, इसको थोड़ा और, अब देख ले एनिमेशन को। इसमें हमने स्टार्ट इनको एक साथ ही क्रिएट एनिमेट कर लिया, तो आप यहाँ उसमें हमने स्टार्ट में किया था, इसमें हमने दरमियान में किया तो ये इस तरह इफेक्ट दे रहा है, ये हो गया। अब इसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब दोनों को F9 से ईज करेंगे, सो इजी के ईजी ईज करने के बाद ये हमारे साथ एनिमेशन बन गया। अब इसको क्लोज करते हैं, इस तरह करते हैं इसकी कापी लेते हैं, तो कंट्रोल डी से। अब पहले मैं इसको छोटा करता हूँ, स्केल दबाता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ इस तरह, फिर इसके मैं अगेन कापी तो कंट्रोल डी और इस पर स्केल की प्रेमेट करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि दोनों एक साथ नज़र आए, तो इतना पास लगने थोड़ा छोटा करते ही। इसके बाद इसको कंट्रोल डी करता हूँ तो हमारे साथ तीनों आ गए। इसको मैं इसके इस पर स्केल दबाता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि ये थोड़ा इस तरह है। अब ये थोड़ा आप खुद ये एडजस्टमेंट कर ले, मैं फिर के फ्रेम लेता हूँ और मैं थोड़ा पास वॉक करता हूँ, इसके स्केल की दबा और इसको खुद एडजस्ट कर ले जिस तरह आपकी इच्छा है।
तो एक साथ हो गया। अब इसको इस तरह करते हैं कि इसको थोड़ा एक साथ एडजस्ट करते, एक तरह इस तरह इसको इस तरह वो पहले मिलाते हैं, थोड़ा बड़ा करते। आप खुद देख ले। अब तो ये हो गया हमारे साथ एनिमेशन, ठीक है। अब आपकी मर्जी जिस तरह एडजस्ट करना, जिसको इंड लास्ट पे इंड करना चाहते हो थोड़ा नज़दीक ले, और जिसको पहले इंड करना चाहते हो पहले ला, जिसको लास्ट पे इंड करना चाहते हो लास्ट में रख के आप देख ले। ये हमारे साथ एनिमेशन हो गया। अब इसको पिल कलर देने, तो पिल के लिए आपने सिंपली यहाँ इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाना। अगर आपके साथ इफेक्ट प्रीसेट नहीं है तो विंडो में कंट्रोल 5 शॉर्टकट है, और ये भी कर सकते हैं सिंपली कंट्रोल 5 आ जाएगा और फिर आएगा। तो आप यहाँ फिल टाइप करें, तो ये फिल टाइप करने के बाद ये फिल कलर है वो आएगा। तो आपने सिंपली पहले ये शेप है, ये शेप है, ये है, तो सब पे बारी बारी ट्राई कर ली। इस तरह इस पर नहीं है तो इस पर पिल डालता हूँ, ठीक है। अब 5 पर नहीं है तो इस पर भी डालता हूँ। अब 5 के कलर को आप खुद एक कलर लेंगे वगैरह आप खुद कर लें, मैंने आपको बता दिया। अब फिर आप खुद चेंज कर ले और जिस तरह आपको चाहे वो रंग कलर दे दे। मैं जस्ट आपको डेमो अंदर आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह कर सकते हैं आप ये सब कुछ। ठीक है, जिसको मैं सबको इस तरह करता हूँ ताकि हमारे साथ बन जाए। मैं इस तरह करते तो सबके कलर एक, आप यहाँ देख रहे कि सबके कलर एक दूसरे से चेंज है। अब मैं इसको यहाँ ट्राई करता हूँ, आप देख ले। तो हो गया हमारे साथ ये एनिमेशन। अब इस तरह करते हैं कि ये हो गया। अब हम प्रोजेक्ट में जाते हैं सर्कल, और इसको आप यहाँ लड़ा के खुद। अब इस तरह करते कि आप इसको जो हमारे साथ लाइन एनिमेशन नहीं बनाए थे वहाँ ड्रैग करके एक साथ एडजस्ट किया था, ठीक है। तो आह भी आप जाके मैं इस काम को पास करता हूँ, आपके अपनी कापी करके इन तमाम चीज़ों को करना है। अब मैंने खुद एडजस्ट किया है, आप भी एडजस्ट कर ले। अब देख ले, सिर्फ जो सर्कल है उसकी कापी ले और एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है। तो आपने भी सिंपली इस तरह करना है कि एक सर्कल कापी यहाँ रख ले कि यहाँ ये क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने डुप्लीकेट किया है एक को, आप देख ले खुद तो जिस तरह लाइन का किया था। तो इस तरह ये आपके साथ बन जाएगा और आप आसानी से साथ ये एनिमेशन बनाएंगे। सो उम्मीद है आपको ये एनिमेशन पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।